वो कहते हैं ना, कहीं पर पहुंचने के लिए डेस्टिनेशन से भी ज्यादा मधुर होता है आपकी रास्ता, और अगर वो जर्नी ट्रेन जर्नी हो तो बात तो और भी बढ़िया। तो इस बार उत्तराखंड जाने के लिए हम लोग न्यू दिल्ली से काठगोदाम एक्सप्रेस पकड़ के ट्रेन के सहारे चल पड़ी, लोगों को सुनते हुए, चाय पीते हुए, रास्ते का लुफ्त उठाते हुए। जब हम लोग काठगोदाम पहुंचे तो हमने टैक्सी कर ली और भोला नदी को साइड में रखते हुए हम सबसे पहले पहुंच गए कुछ खाने के लिए। और क्योंकि उत्तराखंड है तो पराठा तो बनता है बॉस, पराठा खाते हुए हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं एबोडी ऑफ लेक्स। उत्तराखंड की इस जगह में बहुत सारे लेक यानी ताल है, और हम उसी ताल के जगह में पहुंच गए हैं आज। और हमारा सबसे पहला जो शुरुआती ताल है, वैसे आप लोगों को बता दूं मैं कि ये जगह जो है, यहाँ पर टोटल 7 ताल यानी लेक्स है। तो सबसे पहला वाला जो ताल है ये सबसे छोटू सा ताल है, और दिस इज़ वन ऑफ द आर्टिफिशियल लेक विच इज़ कॉल्ड नल दमयंती ताल। नल दमयंती के बारे में स्टोरी तो आपको पता ही है कि दमयंती वॉज राजा की बेटी, राजकुमारी, या नल वॉज द पवन का देवता, दोनों में प्रेम कथा था। वैसे इसके बारे में अगर आप लोगों को और भी डिटेल में ये स्टोरी जानना है तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को अच्छे से एक स्टोरी बता दूंगी। बट अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को नल दमयंती का आर्टिफिशियल लेक दिखाती हूँ। ये देखो, दिस इज द नल दमयंती लेक। ये है हमारा नेक्स्ट स्पॉट गरुड़ ताल। अगर आप ऊपर से, मैं वैसे ड्रोन कैरी नहीं कर रही हूँ, ऊपर से अगर ड्रोन चलाओगे आप तो आप लोगों को दिखेगा एकदम, या फिर टॉप व्यू में अगर आप पहुँचते उस तरफ तो आप लोगों को दिखेगा ये, इसका जो शेप है ये गरुड़ पक्षी की तरह है। गरुड़ पक्षी के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए कि कौन थे वो और क्या रिलेशन है उनका, तो आप मुझे कमेंट पे लिखिए और मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताऊंगी कि विष्णु जी के साथ गरुड़ जी का क्या रिलेशनशिप है। और इस जगह का नाम गरुड़ ताल क्यों है? फाइनली हम लोग सात ताल में आ चुके हैं, और ये है बोट हमारी, मैं और मम्मी। हेलो। और हम लोग अभी सात ताल में बोट का सैर कर रहे हैं, और ये हमारे सामने महेश भैया, ये हमें घुमा रहे हैं पूरा। हेलो कीजिए। और ये आपको सात ताल दिख रहे हैं। वैसे देयर आर लॉट ऑफ ताल जहाँ पर आप आके मतलब बोटिंग कर सकते हो, बट आई फाउंड दिस वन इज़ वेरी पीसफुल एंड थोड़ा सा कमर्शियल लाइफ से भी दूर भी है, वैसे दिस वन कुड बी द गुड वन। एंड बाकी चलो आप लोगों को बोट का सैर कराते हैं और बोट का दिखाते हैं। कैसे लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत शांति है, बहुत अच्छा। रामकुंड खत्म होके हम लोग सीताकुंड की तरफ जा रहे हैं। हाँ ये जो ऊपर दिख रहा है वो चर्च है, पूरा क्रिश्चियन मिशनरी का है, 1852 या 1872 का है, मैं आपको एग्जैक्टली डेट बता दूंगी अभी। ये खून भरी मांग की शूटिंग स्पॉट है। Now we are going to Naukochiya Taal.
देर आर टू लेक्स एक्चुअली एडजेसेंट, नौकरचियाताल एंड कमलताल. गो एनीवेयर फॉर नौकरचियाताल फर्स्ट. देर आर लॉट ऑफ शॉप्स हियर. काफ़ी सारे शॉप्स भी है. चलो देखते हैं. फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी भीमताल वाला होटल में. मैंने पहले नहीं देखी थी, किसी के थ्रू कराई थी मैंने. वैसे सस्ता है प्राइस वगैरह. छोटू सा रूम है जैसा आपको दिख रहा है, ये एक छोटा सा ही रूम है हमारा. उस तरफ वॉशरूम है और आज रात ही रुकना है. लेट मी शो यू द आउटसाइड. वो बहुत बहुत प्यारा है. बहुत पूरा भीमताल. सुबह होते ही हम फटाफट तैयार होकर होटल से चेकआउट कर लिए और उसके बाद हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की. उठा तो हमने सोचा सबसे पहले जाते वक्त हम हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को दर्शन कर लेते. आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, नैनीताल एरिया में भीमताल के पास हनुमान जी का बहुत बड़ा मूर्ति है और बहुत मान्यता है उस जगह का. इसकी ये नाम है हनुमानगढ़ी. कहते हैं कि कैची धाम की जो स्थापक है नीम करोली बाबा, उन्होंने ही हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का मूर्ति यहाँ पर स्थापन किए थे. ये भीमताल है. भीम ने इस ताल को बनाए थे. कहा जाता है कि कुंती पांडव की वनवास के काल पे माता कुंती को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर कोई पानी नहीं था तो इसलिए भीम ने अपनी गदा के प्रहार से यहाँ पर ये ताल बनाया है जिसके नाम भीम ताल कहते हैं. सफ़र तो चलता रहेगा और आप भी सफ़र में साथ ज़रूर रहिएगा.